खुद की शादी से भागे बीजेपी विधायक विजय शंकर दास लौटे वापस, बोले 60 दिन में कर लूंगा गर्लफ्रेंड से शादी। असम की बाढ़ में 5,000 से ज्यादा गांव जलमग्न, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले अग्निवीरों को बीजेपी दफ्तर में गार्ड बनाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर वरुण गांधी ने किया पलटवार, कहा न्योता देने वाले को ही चौकीदार मुबारक। पटना में पक्षी टकराने से फ्लाइट का इंजन जला, पटना से उड़ान भरते ही आग लगी, 22 मिनट तक 185 यात्री हवा में अटके रहे। शरद पवार की बैठक में नहीं आएंगी ममता, राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली बैठक में शामिल होंगे अभिषेक बनर्जी। महाराष्ट्र में आज फिर होगा भाजपा और अखाड़ी का सियासी मुकाबला, राज्यसभा के बाद एमएलसी चुनाव में शक्ति परीक्षण। अग्निवीरों को लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा का बड़ा ऐलान, कंपनी में दिया नौकरी का ऑफर। अग्निपथ के बारे में फर्जी खबरें सर्कुलेट करने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन, कोचिंग सेंटर पर राज्यों में कार्रवाई। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच बोले पीएम मोदी, कहा हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। अग्निपथ विरोध में भारत बंद ने दिल्ली गुड़गांव नोएडा की थामी रफ्तार, बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर, आज तड़के भी एक दहशतगर्द मारा गया, इस साल 140 आतंकियों का सफाया। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को क्रॉस वेटिंग का डर, कॉर्निडेशन के लिए 14 सीनियर नेताओं के साथ शाह नड्डा बनाएंगे स्ट्रेटजी। अग्निपथ विवाद को लेकर रेलवे ने रद्द की 350 ट्रेनें, बिहार के 20 जिलों में आज भी बंद रहेगा इंटरनेट। ओवैसी के रांची पहुंचते ही लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एयरपोर्ट पर खड़ी भीड़ ने लगाए नारे। मेरठ में मिले कोरोना के 6 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 23। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर बढ़ी निगरानी, कांग्रेस अग्निपथ के खिलाफ जंतर मंतर पहुंचने का किया ऐलान। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश, प्रत्येक मरीज का विवरण प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्री को दे। आगरा में चलती एम्बुलेंस में लगी आग, सिपाही और होमगार्ड ने बचाई 3 लोगों की जान, चौकी में लगे नल से लाए पानी। मैनपुरी में शादी की दावत, खाने 50 लोग बीमार, पेट दर्द और उल्टी से हालत नाजुक, गांव में फूड पॉइजनिंग से दहशत। वाराणसी में बॉर्डर, रोडवेज और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ी चौकसी, तोड़फोड़ में शामिल 27 उपद्रवियों से होगी वसूली।
बलरामपुर में बाइक सवार युवक को मारी गोली, पीठ चीर कर गोली, सीने से हुई पार, दुकान बंद करने जा रहा था घर। लखनऊ में दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार, मुंह पर थूका, गालियां देकर पीटा, दो नामजद समेत 14 पे केस दर्ज। सातवें अजूबे ताजमहल का बुरा हाल, ताजमहल को बनाया बंदरों ने स्विमिंग पूल, गर्मी भगाने को फाउंटेन का किया इस्तेमाल। फरुखाबाद में पथराव करने पर 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अग्निपथ योजना के विरोध में युवकों ने श्यामनगर ट्रेन पर किया था पथराव। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर मिला वृद्ध का शव, मुंह पर मिला चोट का निशान, मोबाइल के जरिए हुई पहचान। फरुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की, मां को बचाने आए उसके बेटे को भी लाठी डंडों से पीटा। चंदौली में नहीं थम रहा आक्रोश, दो घटनाओं के बाद अफसर बैकफुट पर, ग्राम प्रधान से मदद करने की कर रहे अपील। मथुरा में घर में घुसकर लड़की की हत्या, बचाने आई मां पर भी किया हमला, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा। प्रयागराज हिंसा में शामिल अखलाक ने किए कई खुलासे, बोला जुमे पर वह मरने या मारने के लिए गया था। अम्बेडकर नगर में पूर्व विधायक पवन पांडे समेत 9 पर केस दर्ज, फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने का आरोप। फिरोजाबाद में अग्निपथ को लेकर चौपाल लगा रहा प्रशासन, युवाओं को बताए जा रहे योजना के लाभ, रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा। सुल्तानपुर में बाहुबली पूर्व विधायक समेत 4 पर एफआईआर, दलित को धमकाने व मारपीट का आरोप, महीने भर में दर्ज हुआ दूसरा केस। मथुरा में अग्निपथ के विरोध में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। देवरिया जेल में जावेद को किया गया शिफ्ट, 10 जून को प्रयागराज में भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद नैनी जेल में बंद था। मथुरा में फर्जी आईएएस से गिरफ्तार, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सक से मांग रहा था रंगदारी। गोरखपुर में फर्जी मैसेज वायरल कर भड़काई गई थी हिंसा, युवक के सुसाइड की अफवाह पर शुरू हुई थी तोड़फोड़। बरेली में अग्निपथ को लेकर जल शक्ति मंत्री ने विपक्ष का किया घेराव, बोले विरोधियों के बहकावे में ना आए युवा। आगरा के फतेहपुर सीकरी में वाहन चेकिंग के दौरान खननकर्ताओं ने सिपाही पर चढ़ाए ट्रैक्टर, एक आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में पति से कहा सुनी के बाद पति ने किया आत्महत्या, मायके बात करने से किया था मना, बात न मानने पर कमरे में लगा ली फांसी। शाहजहांपुर में नियंत्रित तो प्राइवेट बस पलटी, 13 यात्री घायल, लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। आगरा बार के बाउंसर्स ने फौजी को लाठी डंडों से पीटा, पुलिस पहुंची तो भाग निकले आरोपी।
देवरिया में अग्निपथ के विरोध में पुलिस पर हमला, सिपाहियों ने भागकर बचाई जान, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, पेट्रोल पंप पर लूटपाट। कानपुर में बहू से गुस्साए ससुर ने पुलिस पर किए 45 फायर, पहले पत्नी बेटे बहू को बंधक बनाए बचाने आए दरोगा, दो सिपाही जख्मी। सुल्तानपुर में जमीनी विवाद टूटा, दबंगों का कहर, दबंगों ने महिला का तोड़ा हाथ, लगातार दो दिन पीटा, वीडियो वायरल। बर्फबारी ने हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगाया ब्रेक, गोविंद घाट और घाघरिया में रोके गए 7,500 तीर्थयात्री। भारत बंद के ऐलान के बीच उत्तराखंड में अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर आरपीएफ के जवान तैनात। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चार धाम यात्रा, अब तक 22.50 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन, 32 लाख से अधिक पंजीकरण। बिहार में आगजनी की घटना पर रुड़की के लश्कर में अलर्ट, 27 ट्रेनें रद्द, भटकते रहे यात्री, पूछताछ केंद्र पर लगी थी। सार में काठापीर मेले को बदनाम करने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का विचार मंथन शिविर का आयोजन, प्रकोष्ठों के गठन के बाद होगी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। हरिद्वार में नशे के इंजेक्शनों की खेप के साथ दो गिरफ्तार, ज्वालापुर पुलिस ने पीएससी कैंपस के पास की कार्रवाई। पूर्व सीएम हरीश रावत का हमला, कहा ईडी का ऑफिस और भाजपा का ऑफिस बना। अग्निपथ पर पहाड़ के युवाओं में आक्रोश बरकरार, 400 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मलबा आने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, लामबड़गढ़ में बाधित गाड़ियों की लंबी कतारें। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पत्रकारों को तोहफा, 5 से 8 हजार रुपए बढ़ाई पेंशन। वन भूमि में अवैध धार्मिक स्थल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती, कहा हटाए जाएंगे, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। काशीपुर में अग्निपथ के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, पीएम का पुतला फूंका। मसूरी में पर्यटकों ने स्थानीय युवकों पर किया धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर। अग्निपथ के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने किया समर्थन, विधायकों ने कहा योजना वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। वॉशिंगटन में म्यूजिकल प्रोग्राम में फायरिंग, टीनेजर की मौत, पुलिस अधिकारी समेत 3 घायल। यूक्रेन में सेवेरो डोनेट्स्क के पास रूसी हमलों का दिया जवाब, ज़ेलेंस्की बोले दक्षिण यूक्रेन पर रूस का कब्जा नहीं होने देंगे। ताइवान को एशिया का यूक्रेन बनाना चाहता है ड्रैगन, 140,000 सैनिकों के साथ हमले का है प्लान, ऑडियो लीक।
पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में बंदूकधारियों का हमला, शांति प्रयासों में जुटे चार कार्यकर्ताओं की हत्या। बांग्लादेश ने पन्ना ब्रिज के निर्माण को चीन के बीआरआई से जोड़ने वाली खबरों का किया खंडन, कहा कोई विदेशी धन नहीं लिया। वेस्ट अफ्रीका के माली में गोलीबारी, हमलावर ने 20 लोगों की हत्या की, घटना के बाद मच गई अफरा तफरी। इथियोपिया में अम्हारा समुदाय पर विद्रोही गुटों का हमला, 200 से अधिक लोगों की मौत। पेगासस के बाद हर्मिट के निशाने पर नेता, पत्रकार और कारोबारी, साइबर सुरक्षा कंपनी की रिपोर्ट में खुलासा। ताइवान पर अमेरिका से तनाव, चीन ने परमाणु मिसाइल को मार गिराने का किया सफल टेस्ट। ब्रिटेन के जनरल ने सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा, रूस को हराने वाली सेना बनाने की खाई कसम। अग्निवीरों को मिला नौकरी का ऑफर, आनंद महिंद्रा अपने ग्रुप में अग्निवीरों को मौका देंगे, कहा हिंसा से दुखी हूं। एफपीआई ने भारतीय बाजार से इस महीने 17 जून तक 31,430 करोड़ रुपए निकालेंगे, महंगाई ने बढ़ाई चिंता। इतिहास में पहली बार बनी एप्पल यूनियन, एप्पल का पहला स्टोर जहां एम्प्लॉयज की यूनिट होगी। क्रिप्टो के बाजार में फिर लौटी बहार, बिटकॉइन $2,000 के पार, इथेरियम 12% बढ़ा। सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को दिया खुद के रैक खरीदने का निर्देश, बारिश में होगी कोयले की सप्लाई। हवाई यात्रा करने वाले बाबुओं को मोदी सरकार की हिदायत, 21 दिन पहले टिकट बुक करके चुने सबसे सस्ती उड़ान। होम लोन महंगा होने से घरों की मांग होगी प्रभावित, रेपो रेट में बढ़ोतरी पर रियल एस्टेट कंपनियों की प्रतिक्रिया। थाईलैंड में HUBI की क्रिप्टो एक्सचेंज का लाइसेंस कैंसिल, होगी बंद। यूके में ड्रग्स टेस्ट ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने वाले शख्स को हुई 9 साल की जेल। आरबीआई ने अपना पेमेंट विजन 2025 तक किया दस्तावेज जारी, डिजिटल भुगतान में 3 गुना वृद्धि करना। साल बाद ऑस्ट्रेलिया पर लगातार 2 ODI में जीत, श्रीलंका की सीरीज में 2-1 की बढ़त। कार्लोस